गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आई एम प्रवीण कुमार एंड आई विल टेक दिस कोर्स क्रॉप इम्प्रूवमेंट फर्स्ट खरीफ क्रॉप्स. ओके, इन दिस कोर्स वी विल स्टडी अबाउट द डिफरेंट क्रॉप इम्प्रूवमेंट मेथड्स ऑफ सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स एंड क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स. ओके, बिफोर दैट वी विल स्टार्ट द सेंटर ऑफ ओरिजन एंड टाइप्स ऑफ द सेंटर ऑफ ओरिजन फॉर द डिफरेंट क्रॉप. सेंटर ऑफ ओरिजन मीन्स ए जोग्राफिकल एरिया वेयर द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म आफ्टर द डोमेस्टिकेशन ऑफ वाइल्ड स्पीसीज एंड दे आर फर्स्ट डेवलप्ड इन अ डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज. मीन्स ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेटेड इन ए स्पेसिफिक एरिया वेयर दे आर हैविंग हाइएस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ दैट स्पीसीज. So that it is called center of origin, or we can say it is a center of diversity, which is given by the Nikolai Vavilov in 1924. Okay. In simple language, I will say you means a center of genetic diversity का मतलब ये होता है कि वह एरिया जहाँ पे उस स्पीसीज का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी मिलती है उसको बोलते हैं हम सेंटर ऑफ ओरिजन. ओके, जो कि निकोलाय वेविलोव ने दिया था. और इस रीजन के अंदर हाईएस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है उनके वाइल्ड स्पीसीज की और उनके वाइल्ड रिलेटिव्स की. ठीक है, और उस एरिया के अंदर बहुत सारे डिफरेंट न्यू जीन्स होते हैं. किसके लिए? डिफरेंट डिजीज और इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस के लिए. ओके, और ये जो हेल्प करता है जेनेटिक डाइवर्सिटी का, इम्पोर्टेंस क्या होगा, ये अवॉइड करता है जेनेटिक इरोजन को. जेनेटिक इरोजन को कैसे अवॉइड करेगा कि वहाँ पे बहुत सारी लैंड रेसेस होती है, मतलब वाइल्ड स्पीसीज है वहाँ पे. तो यदि जेनेटिक इरोजन यदि हो रहा है तो हम वो स्पीसीज वहाँ से ला सकते हैं. ओके, ठीक है, मतलब सपोज करो कि इस एक स्पेसिफिक एरिया जहाँ पे एक वैरायटी मतलब कि एरिडिकेट हो गई, ख़त्म हो गई, तो हम वहाँ से एक स्पीसीज ला सकते हैं दूसरी उस सेंटर ऑफ ओरिजिन से. ठीक है, और इसके लिए जो गवर्नमेंट क्या कर रही है, डिफरेंट जीन बैंक बना रही है इसके लिए. मींस कलेक्शन ए लार्ज जन प्लांट इन द फॉर्म ऑफ सीड बैंक, फील्ड बैंक और सेल कल्चर, स्टेम सेल कल्चर लाइक दैट. ओके, और अब नेक्स्ट क्या है, टाइप्स ऑफ सेंटर ऑफ ओरिजन. देयर इज अ टू टाइप ऑफ द सेंटर ऑफ ओरिजन, प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजन, सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजन. प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजन मीन्स ए वाइल्ड स्पीसीज इज एक्चुअली ओरिजिनेटेड इन दिस प्लेस, दिस इज द प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजन. बट आफ्टर द फ्यू ईयर्स देयर इज सम एक्टिविटीज डन बाय द मैन. So, little bit genetic diversity is transferred from the new new geographical area. After the few years, this new area having the highest genetic diversity than the primary center of origin, then it will called as secondary center of origin. अभी simple language में यह बोल सकते हैं कि primary center means actual area होता है उस wild species. वाइल्ड स्पीसीज जो कि वहाँ से ओरिजिनेट हुई है. ओके, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज से क्या होती है, वो जो डाइवर्सिटी है वो ट्रांसफ़र हो जाती है किसी नेक्स्ट ज्योग्राफिकल एरिया में, एक्चुअल में जहाँ पे उसकी जेनेटिक डाइवर्सिटी लो थी इनिशियल, लेकिन बाद में वो हाइएस्ट हो जाती है प्राइमरी से. तो प्राइमरी से हाइएस्ट हो गई तो उसको हम बोल देते हैं सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजन. और एग्जाम्पल है उसका सोरगम, है ना. और वैसे ही प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजन जो क्रॉप्स का था अफ्रीका था, मतलब मैक्सिमम क्रॉप का अफ्रीका था. लेकिन अभी इंडिया के अंदर कुछ क्रॉप्स का हाईएस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी है, तो इंडिया क्या हो गया सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजन, और अफ्रीका क्या हो गया प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजन. और वेविलोव ने क्या गिवन एट सेंटर ऑफ ओरिजन, कौन कौन से हैं डायग्राम में देख सकते हैं आप.
पहला है चाइना, सेकंड हिंदुस्तान, थर्ड सेंट्रल एशिया, फोर्थ एशिया माइनर, फिफ्थ मेडिटेरियन रीजन, सिक्स्थ इज एबिसिनियन रीजन, सेवन सेंट्रल अमेरिका, एट साउथ अमेरिका। और जो द फर्स्ट सेंटर है चाइना सेंटर ऑफ ओरिजन, ये सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट है ना, ओल्डेस्ट सेंटर ऑफ ओरिजन है ना। और जो ये रीजन है ये सेंट्रल और वेस्टर्न चाइना रीजन, सेंट्रल और वेस्टर्न जो चाइना का जो पार्ट है वहाँ पे ये चाइना वो वाला पार्ट ही सेंटर ऑफ ओरिजन है चाइना के अंदर। और वहाँ पे क्या है सबसे ज़्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी है, सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट है। और इसके अंदर क्या है, इसमें दो प्राइमरी और सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजन है। प्राइमरी के अंदर क्या है, जो सेंटर ऑफ ओरिजन में क्रॉप्स आएगी, सोयाबीन है, रेडिश है, प्रोसो मिलेट, ओपियम, ब्रेसिका, ऑनियन, और सेकेंडरी में मेज, काउपी, टर्निप और सीसीमम है। तो इस टाइप से ये प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजन के अंदर ये क्रॉप्स का ओरिजन हुआ है चाइना के अंदर। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेज का, मेज है वो सेंटर ऑफ ओरिजन क्या है, सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजन तो चाइना होगा, लेकिन प्राइमरी क्या होगा, जब नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे जब मैक्सिको सेंटर ऑफ ओरिजन आएगा तो वो उसका प्राइमरी है। और रेडिश का पूछे तो सेंटर ऑफ ओरिजन क्या होगा, वो चाइना होगा डायरेक्टली। और सेकंड जो सेंटर ऑफ ओरिजन है वो हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान के जो जो कुछ एरिया जैसे जब बर्मा एरिया है, हिंदू बर्मा, असम, मलाया, जावा, सुमात्रा, फिलीपाइंस, तो दीज आर द रीजन कम्स अंडर द हिंदुस्तान सेंटर ऑफ ओरिजन। और उसमें द प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजन जैसे राइस, रेड ग्राम, चिक्पी, काउपी, ग्रीन ग्रीन और टर्मेरिक, ये क्रॉप्स है ना यहाँ पे हिंदुस्तान सेंटर ऑफ ओरिजन में ज़्यादा है इनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी। ओके, इसलिए इनको हिंदुस्तान सेंटर ऑफ ओरिजन के अंडर में रखा गया। थर्ड है कि सेंट्रल एशिया सेंटर ऑफ ओरिजन, सेंट्रल एशिया कौन सा रीजन है, ये हमारे आएगा इसमें नॉर्थ वेस्ट इंडिया और पूरा अफगानिस्तान रीजन है ना, और ये वाला रीजन आता है ना अफगानिस्तान सेंटर ऑफ ओरिजन भी इसको बोलते हैं कई बार। तो इसके अंदर जो क्रॉप्स आती है जनरली ये ब्रॉड बीन, ग्रीन ग्राम, सीसीमम, सेफ्लावर, कॉटन, ऑनियन, गार्लिक और पी, मटर, ये सारी इसमें क्रॉप आती है। और सेकेंडरी इसका सेंटर ऑफ ओरिजन ऑफ सेंट्रल एशिया इज राई ओनली। और फोर्थ क्या है, एशिया माइनर सेंटर ऑफ ओरिजन। एशिया माइनर के अंदर जो पर्शियन रीजन है, नॉर्थ ईस्ट, नियर ईस्ट रीजन, पर्शियन सेंटर, तो पर्शिया वाला जो रीजन है वो एशिया माइनर में आता है। और इसका प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजन में ये क्रॉप्स है राई, अल्फा, कैबेज और ओट्स आता है। हाँ, सेकेंडरी के अंदर रैपसीड वगैरह आ जाएंगे, ब्लैक मस्टर्ड और टर्निप, मतलब कि ब्रैसिका फैमिली आती है एशिया माइनर के अंदर, ठीक है। नहीं मतलब ब्रैसिका फैमिली जनरली एशिया माइनर में आएगी। और मेडिटेरियन रीजन में कौन, मेडिटेरियन जो रीजन है मतलब जो मतलब अफ्रीका के आसपास वाला जो रीजन है वो इसमें आता है। तो इसमें सारी वीट है, ड्यूरम वीट हो, हिमर वीट, बार्ले, लेंटिल, ब्रॉड बीन, ये जो क्रॉप्स हैं, और कुछ ये तुम्हारी लेग्यूम क्रॉप, चिकपी और बीट्स, ये इसके अंदर आती है मेडिटेरियन रीजन के अंदर। सिंपल है सारा, जस्ट हमर को पता होना चाहिए कि कितने सेंटर ऑफ ओरिजन है और कौन सी किसके अंडर में आती है, बस इतना पता होना चाहिए। और सिक्स्थ इज एबिसिनियन रीजन, ये इथोपिया का रीजन होता है, इथोपिया जो कंट्री है उसका जो है जो पार्ट है वो एबिसिनियन रीजन बोला जाता है। और इसमें कौन सी क्रॉप्स आती है, ये आती है आपके जो बार्ले, सोरघम, पल्मिलेट, लेंटिल, सनफ्लावर, कैस्टर, कॉफी, ओकरा, ठीक है। ये ब्रॉड बीन इसका सेकेंडरी और सेंटर ऑफ रीजन है। फिर सेवन्थ है सेंट्रल अमेरिका, मतलब जो जो साउथ अमेरिका, जो शुरू में बताया था कि मेज का प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजन यही होगा आपका सेंट्रल अमेरिका, या आप मैक्सिको बोल सकते हैं, लेकिन इसका सेकेंडरी ऑफ सेंट्रल ओरिजन वो चाइना हो जाएगा। फिर उधर इसमें मेज आ जाएगा, लिमा बीन, ठीक है, पम्पकिन, स्वीट पोटैटो, एवोकाडो, कॉटन, इसके अंदर आता है सेंट्रल अमेरिका के अंदर। और जो आपका जो एट और लास्ट सेंटर ऑफ ओरिजन है वो साउथ अमेरिका है ना, इसके अंदर ये बोलिविया, इक्वाडोर, पेरू, कोलंबिया, हाँ, और ये चिली, ब्राज़ील, ये सारे इसका, ये जो कंट्री है ये सारे कंट्री इसमें आते हैं साउथ अमेरिका में। और इसके अंदर जो क्रॉप्स आती है पोटैटो, लिमा बीन, पीनट, टोबैको वगैरह आती है, ठीक है। ये आर सेंटर ऑफ ओरिजन हो गए डिफरेंट, ठीक है, चीन, हिंदुस्तान, एबिसिनियन, मेडिटेरियन रीजन, सेंट्रल अमेरिका, एशिया माइनर, साउथ अमेरिका, ये सारे हो गए आपके आर सेंटर ऑफ ओरिजन। फिर बाद में वेविलोव ने क्या किया, इन 1935 दो नए सेंटर ऑफ ओरिजन दे दिए। पहला सेंटर ऑफ ओरिजन क्या है, जो हिंदुस्तान सेंटर ऑफ ओरिजन, उसको दो डिवाइड कर दिया इसने दो पार्ट्स के अंदर, क्या था, इंडो बर्मा और समाया मलाया,
और जो साउथ अमेरिका जो रीजन था उसको डिवाइड कर दिया थ्री पार्ट्स के अंदर, पेरू, चिली, ब्राज़ील, पराग्वे, ये तीन सेंटर ऑफ ओरिजन बना दिया, मतलब डिवाइड कर दिया, तो टोटल 11 सेंटर ऑफ ओरिजन हो गए। फिर एक्चुअल में 8 है, बाद में मॉडिफाई करके 8 सेंटर ऑफ ओरिजन बना दिए, ठीक है। बाद में जो यूएसए सेंटर ऑफ ओरिजन था वहाँ पे कुछ प्लांट स्पीसीज को भी इंक्लूड किया गया, जिसमें आपके सनफ्लावर और ये तुम्हारा आर्चीटॉक और जेरूसलेम ये क्रॉप्स आती है, ठीक है। अब ये कुछ टर्मिनोलॉजी है, जैसे लॉ ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ वेरिएशन क्या होता है और माइक्रो सेंटर क्या है। मतलब माइक्रो सेंटर का मतलब ये होता है कि जो सेंटर ऑफ ओरिजन जो होता है उस विद इन अ सेंटर ऑफ ओरिजन ए स्मॉल एरिया इज फाउंड विद इन अ सेंटर ऑफ ओरिजन और इन दिस स्मॉल एरिया हैविंग द इज हैविंग हाईएस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी इन देन द रिमेनिंग एरिया। मतलब जो जेनेटिक डाइवर्सिटी जहाँ पे है, जैसे अफ्रीका सेंटर ऑफ ओरिजन, तो अफ्रीका में तो पूरा पूरे अफ्रीका में उस क्रॉप की डाइवर्सिटी ज़्यादा नहीं है ना, मतलब कि पूरा हर जगह तो नहीं है, लेकिन कुछ अफ्रीका का जो एक पार्टिकुलर पार्ट है वो पर्टिकुलर पार्ट के अंदर जेनेटिक डाइवर्सिटी ज़्यादा है उस क्रॉप की, मतलब डिफरेंट वेराइटीज़ वहाँ पर मिलती है, वाइल्ड स्पीसीज, वाइल्ड रिलेटिव्स उसके ज़्यादा मिलते हैं, उसको बोलते हैं माइक्रो सेंटर। मतलब कि विद इन अ सेंटर ऑफ ओरिजन स्मॉल एरियाज देयर वेयर द हैविंग द हाइएस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी देन रिमेनिंग एरिया, इसको बोलते हैं माइक्रो सेंटर। और जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है वो है लॉ ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ वेरिएशन। लॉ ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ वेरिएशन का मतलब होता है करेक्टर फाउंड इन ए स्पीसीज ऑल्सो ऑब्जर्व इन ए रिलेटेड स्पीसीज। मतलब क्या है, कुछ करेक्टर से सपोज करो कि नंबर ऑफ पॉड्स हो गए या प्लांट हाइट होगी, ठीक है, या ग्रीन कलर हो गया, जैसे रेड कलर है, तो ये रेड कलर का जो रेड कलर जो कैरेक्टर है एक स्पीसीज के अंदर है, सपोज करो स्पीसीज एक्स के अंदर है रेड कलर, तो ये स्पीसीज एक्स का रेड कलर भी मिलेगा आपको स्पीसीज वाई के अंदर भी। मीन्स क्या, सिमिलरिटी ऑफ कैरेक्टर्स है, मतलब सिमिलियर है उनका मॉर्फोलॉजी उन कैरेक्टर के लिए, है ना। तो वैसे जो यहाँ पे एग्जांपल है कि डिप्लोइड स्पीसीज, टेट्राप्लोइड स्पीसीज और हेक्साप्लोइड स्पीसीज ऑफ वीट, तो इन डिप्लोइड, टेट्राप्लोइड, हेक्साप्लोइड जो स्पीसीज है वीट की, इन तीनों के अंदर कुछ कैरेक्टर में सिमिलरिटी है, उसको ही हम बोलते हैं लॉ ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ वेरिएशन, ठीक है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक है, अभी हमने कंप्लीट कर लिया सेंटर ऑफ ओरिजन।